गाइस, राम राम सारण है। स्वागत आप सबका अपने एक और नए ब्लॉग में। दिस इज़ लव टू गो ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब? होप सब अच्छे होंगे और हम भी बढ़िया। आज 11 बज गए हैं और देखो इसने ये उठ गए और इसके पापा अभी तक सोन लग रहे हैं। खाना वाना सारा बना लिया, काम कर लिया, सारा काम निपटा कर बैठी थी। इनके वेट में कब उठेंगे, कब नहाऊंगे, कब खाना खाऊंगे। तो मैंने सोची पहला आज ब्लॉग की शुरुआत कर ली, क्योंकि कई दिन हो गए ब्लॉग बने और देखती हूँ कुछ भी। अभी तक तो मैंने कुछ नहीं सोचा कुछ खास होगा कि नहीं होगा। क्या कर रहे हो डुगू? डुगू हो गई रेडी। खाना लिया हूँ? लाओगे? मम्मा को तो लगा दो। लगा दी। लगा दी। बस और मांग ना बेटे, लग रहा है मम्मा मम्मा ने लगा लिया। तो लगा को मानेगी मम्मा के हाथ पे लगा दे ले। आपकी तरह आग रहा है। अब क्या लगवाओगे? देखिए कितना जोर पड़ा इसको। कमर में ला दो इसकी में तेल। सीधे लेटो, टमी दिखाओ, टमी दिखाओ। के नहीं नहीं चलो डुगो ऐसे बोलो हेलो। बस हो गया डैडी। देखो मम्मा खाना लाओ जल्दी। खाना ले आऊं वहां? और आप क्या खाओगे? बैलून। बैलून नहीं, बाहर क्या रखा है फ्रिज पे? फ्रिज पे बैलून। बैलून तो बाद में लेंगे। ये क्या है? ये क्या है डुगू? क्या है? ए भगवान है। पहले बाबू मोशा कर रही थी। कहाँ जा रही डुगू? हम पापा पास। पापा जी कहाँ है? कहाँ है पापा जी? दुकान पे। दुकान पे। तो हम जान लग रहे भाई दुकान पे। पापा की देखते हैं क्या कर रहे हैं वहाँ पे वो सब। वहाँ पे आ गए हम। हाँ फिर तुम एल्बम में रखोगे सारे काट दोगे क्या सारे कटेंगे? दो एल्बम बनवा लो। ये भी काट ये अरे वो काट है ये रे ने दिए काट दे ना ये और ये एक फोटो रह दे कौन से वाला कटवा है काट दे जो सेम सेम से है 400 फोटो ये बा कटी नहीं और काटे ना फोटो कितने फोटो के बना कर एल्बम फोटो के चाहिए काय हो रहा है बजट में कोई बात है सात फोटो रखे ना मतलब बस एक फोटो यो बनवाया पापा ने। अब यो शीतल दे दी। शीतल दीदी का घना बढ़िया फोटो आ रहा है। यो फोटो घना बढ़िया आ रहा है दीदी का। ये
देख खड़ी हो, हमारी शादी के फोटो छाटे लग रहे हैं। ये 3 साल बाद ही एल्बम बनेगी हमारी। देख 3 फोटो तो तेरे हो गए, 4 फोटो इसके हो गए, ये 3 फोटो तेरे हो गए फ्रंट के, एक आगे पहले मेरी साका थी ना, फिर तो आप ना मना करा, ये पीछे दे देना। मेरे पास आ जा, मम्मी के पास जा अपने। अपने फ़ोटो वगैरह जो शादी की फ़ोटो थे एल्बम के, वो सिलेक्ट करवाए, और वो सिलेक्ट करवाने के बाद हम 2-3 बजे सो गए थे, 1 घंटा सोए होंगे, 3-3.5 बजे के आसपास सोए थे। और उसके बाद वही घर का काम चला सारा, किस चीज़ की वजह है। तो भाई अब बज गए हैं, मोहित जुड़ा लिया और बज गए हैं, 7 बज गए होंगे, वो चले गए हैं। अब मैं करूँगी अपना बैग पैक करूँगी, क्योंकि मैं घर जाऊँगी परसों, और कल मैंने बहुत सारे काम हैं, इसलिए मैं सोचूँ आज अपना बैग पैक कर लेती हूँ, कल तो मैंने टाइम भी नहीं लगा, कई काम हो जाए अभी। तो भाई आज एक बात कहनी थी आप सबसे, एक चीज़ बताना चाहूँगी मैं कि ईव में डेली के डेली ब्लॉग डाला करूँगी, डेली मतलब रोज़ की अपडेट दिया करूँगी आप सब तय, और डेली अपडेट रहा करूँगी यूट्यूब पर। कई दिन हो गए मैंने कोई ब्लॉग नहीं डाला, मूड नहीं था ठीक, मतलब ठीक भी था, नॉर्मल थी, लेकिन मतलब व्लॉग बने नहीं पा रहे थे। फिर आज मैंने सोचा चाहे कुछ हो जाओ, सुबह व्लॉग शुरू करा था, अभी रात होने वाली है, सारा काम हमने मिटा का प्रेस करने वैसे थे मैंने, लेकिन मैं बैठ गई, मैं पहले व्लॉग पूरा करूँगी, डेली मैं अपने व्लॉग डाला करूँगी, चाहे भाई 2 मिनट का हो, 8 मिनट का हो, 10 मिनट का हो, लेकिन हाँ भाई सब सपोर्ट करियो है, रोज़ सारे देखा करियो। और दूसरी बात, जिसने नहीं सपोर्ट करना हो, जिसने भाई मुलाक तो चैनल बढ़िया नहीं है, वैसे कम सब्सक्राइब करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ जो देखो वो वीडियो ने पूरा देखा करो। बाकी जो चैनल चल रहे हैं आजकल, मैं किया कि वीडियो देखूँ, वो उसमें बैड कमेंट करते हैं, वही बैड कमेंट करते हैं, फिर वो उसके अपोजिट वीडियो बनाते हैं, वो उस पर गाड़ दुपड़ बक दे, मतलब नुए चल रहे हैं। मेरा ना तो ये वीडियो में व्यू पाने तक नू हो रहा है, के चक्कर है, पर ये जब भी मैं YouTube खोलूँ मेरे आगे एक ना एक वीडियो जरूर इसी पाए हैं, जो मतलब दूसरे के अपोजिट हो गया, उसमें दूसरे के अपोजिट भी रहना, वे गठमिट कर रहे हैं, के चक्कर हैं, वे आपस में जानबूझ के सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वे उनकी सच्ची लड़ाई माच रहा है। लड़ाई भी किस चीज़ के ऊपर, एक यूट्यूब के ऊपर, कोई उस पर बैड कमेंट करा, कोई उसके बारे में कुछ कर रहा, वैसे ले उसके अपोजिट कंटेंट मिल जाए दूसरे तक कुछ कहने का, माँ बेवकूफ़ी हुई मतलब वो ले, खैर छोड़ो। तो भाई मैं कहना चाहूँ सारे प्लीज़ मेरे चैनल सपोर्ट करो, आप डेली की डेली ब्लॉग आया करेंगे, सुबह 9 बजे, 9:30 आपके पास, या 9 या 9:30 बजे के आसपास आपके पास मेरा ब्लॉग आ जाया करेगा एक, और मैं अभी करूँगी अपना बैग पैक, और क्या कहते हैं निकाल ही लेती हूँ अपना बैग, कर लूँ बैग पैक। कल मैंने टाइम नहीं लगेगा, कल मैंने बहुत सारे काम करने हैं, इसलिए आज मैं बैग पैक कर लेती हूँ। तो भाई देख लो मैंने खंडा दी कपड़े भी मेरे, ये सारे डुगू के, इनमें तो देखूँगी कौन से डालने कौन से नहीं, पता मैंने बस निकाले हैं 2-3 जोड़े नए तो निकाले हैं घर के, क्योंकि बच्चे के तो ज़्यादा अच्छी हुए हैं कपड़े हमारे तक चाल जाए, लेकिन इनके बार तो मैंने अपने भी डर लिए कई जोड़ी। जो यो वाला सूट है पहना था मैंने जब डुगू के मुँह उतारे थे, तो उसके बाद यो हम इसने मैं इसने पैर के नहाई थी, तो जो हमने पैर के नहाए थे हम 3 जने, हमने वो दोबारा कपड़े नहीं पहनने थे, तो यो सूट भी मैं घर पर रखाऊँगी, तो या तो उड़े किसी तरह दिया जाओगा। ये
क्योंकि वो सूट मेरा पहले ही वहीं पे जा रहा जो मैंने सिलवाया था वो पहले ही वहीं पे है। ये मेरा स्टॉल, एक ही वो सूट और ये दोनों सूट है जो यो है और एक यो, ये दोनों सूट अब क्या करना रिटायर कर दिए, दोनों सूट मैंने रिटायर कर दिए। ये वैसे मार खाऊंगी कई बार ना ना जब हम चले जाओ ऐसे टाइम कपड़े उपड़े ना ले जाओ तो पहनना सही काम आ जाए उस टाइम पे ये कपड़े, नहीं ससुराल में तो ऐसा हो गया ना पहनने में मुंडे लग गए हैं लेकिन वहाँ पहनने में तो ठीक रहे बड़े पहने जा रहा है। अरे क्योंकि बार में डुबू नहीं है वो वाला पहना के ले जाऊँगी, वो वाला निकाल लिया है डुबू का, देखिए जब मैं पहन के जा लेगी ये जरूरत तो कभी छोड़ ड्रेस ही नहीं किताते रहा है। यो भी आए थे ये वाली ड्रेस भी इसकी इसकी कई जोड़ ले जानी पड़े हैं क्योंकि आज दिन में दो दो तीन तीन बदलवा ले हैं हमारा कई ड्रेस बदलवा कर जाते जब कोई जरूरत घूमी है ड्रेस कितने डिब्बे कई डिब्बे तो बीता करे या उस दिन पहली थी महाअष्टमी वाले दिन एक ये भी जो है ये भाई थी इसने ना पहनाती पिछली बार, इसने पिछली बार पहन कर गई थी वाली ड्रेस रक्षाबंधन पहन वाली पहन कर गई थी बर्थडे वाली तो ये वाली इससे कि जैसी दूसरी ड्रेस है एक जैकेट वाली पिछली बार लेकर आई थी मैं वो लेके जाऊंगी। ड्रेसें दर को भूल के बैठ गया एक ही वाली जो अब शीतल दीदी आई थी जब लेकर आई थी उसकी बहुत अच्छी ड्रेस है एक ही रख लो वह ऊपर जा रही है चाहे नीचे होती ना मम्मा ये इधर तो सवाल कर दे बहुत सवाल कर रहा है ये कैसा है ये किसका है ये कैसा है और ये भी ये दूसरे कपड़े इसके ये भी ये और कपड़ा का उसने एक तो फ्रॉक बहुत पसंद है इसलिए दो उसके रखूँगी फ्रॉक मैंने पसंद नहीं लेकिन फ्रॉक उसने पसंद है डुगू ने मैंने बोल दिया मम्मा फ्रॉक ये इसका वन पीस है इसका छोटा होना हो रहा है मैंने बड़े दिन से एक साल से मैं इधर आया रहा क्यों पिछले साल इसका जब बर्थडे था ना जब लेकर आए थे इसका यो बहुत प्यारी ड्रेस ला गई लेकिन इसका कहीं भी ना घर में पहनने लगा दूँ क्योंकि और थोड़ा सा ना टाइट है यो मतलब बिल्कुल फंसा सा होया करा ये वन पीस और चलो ना अगर मैं चलो इसने ये पहनने लगा दूँ डाल दूँगी किसका वन पीस बाकी ये चेंज करने में कपड़े कई जोड़ी ज़्यादा बैग ही पुराना था ही पर जो पहन के जाऊंगी मैं वो ही पे मैंने सिलेक्ट नहीं कराया है वो भी दिखाऊंगी देखूंगी कौन सा वाला पहन के जाऊंगी और अलग रहेगा जो अभी मैं अपने जो पहन के जाने वाले हैं वो दिखाऊंगी आपको अपने तो भाई रात के बज गए 10 और मारी लाइट बाज गई और कुछ भरोसा नहीं क्या आधा की आ रही आधा की जा रही के फिर आवेगी कि ना आवेगी बोल कहाँ फेंक दी चार्जर नंबर दिला बेटे ना
डुगू के बाल कौन कटवा के लेके आया है? कहाँ पे? देख के मारी सी लड़ना किसी होगी दीवार। कैसी होगी दीवार डुगू? सी लेना यहाँ पे बहुत ज्यादा। और इसकी बोल दे किसने एक बार दीजिए, मैंने बोल फिर बैठने चाह बाट दी। बहुत भाई जो चैनल पर नए हो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और अपना खूब सारा प्यार दियो। बाय।